हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैशन हॉलिक। आज हम सीखेंगे डोरी और लटकन बनाना, जो आप बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत सुंदर भी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कपड़े की तिरछी पट्टी निकालनी है, सीधी नहीं, तिरछी पट्टी निकालनी है, आड़ी। तो हम आड़े कपड़े के साइड से निशान लगाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट आप निशान लगा के लगाएंगे तो निकालेंगे तो आपकी एक जैसी पट्टी निकलेगी। तो मैं ये 2-2 इंच पर निशान लगा देती हूँ। डोरी आप हमेशा तिरछे आड़े कपड़े में ही बनाएं, तभी आपकी डोरी खिंचेगी। अगर आप सीधे कपड़े में बनाएंगे तो आपकी डोरी नहीं खिंचेगी। और फिर हमें ये तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ आप एक पैर की सिलाई लगाइए, जितनी पतली हो सके उतनी, ज़्यादा पतली भी नहीं कि हमारी डोरी ना खिंचे और इतनी मोटी भी नहीं कि हमारी डोरी मोटी आए। तो हमें ये एक पैर की सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल सीधी, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना हो हमारी, वरना हमारी डोरी भी टेढ़ी मेढ़ी और मतलब मोटी पतली बनेगी। हमें ऐसे सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें एक सुई में धागा डाल लेना है, और धागा हम मोटा डालें ताकि हमारा धागा टूटे ना। फिर हमें इसे एक साइड से पकड़ना है, किनारी से, और इसके किनारी पर ऐसे हमें इस गांठ को लगा देना है, पक्का कर देना है हमें यहाँ पर, ताकि हमारा धागा निकले ना। देखिए मैं इसे ऐसे पक्का कर दूंगी, और अब मैं इसे काट के पतला कर दूंगी क्योंकि ये हमें अंदर ले जाना है। मैं इसे ऐसे काट के पतला कर दूंगी ताकि ये अंदर अच्छे से जा सके। अब हमें क्या करना है, हम अपनी सुई उल्टी करेंगे ऐसे, और जहां हमने सिलाई लगाई है वहां पर हम ऐसे इसको अंदर की साइड हमें इसको पिरोना है पूरा और बाहर निकालना है। देखिए हम ऐसे पूरी डोरी के अंदर हम इस धागे को ले जाएंगे। ऐसे ही हमें ले जाना है पूरा, पूरी डोरी के अंदर। ये देखिए अब हमारी सुई बाहर आ गई है। अब हम इस धागे को बाहर निकालेंगे। आपको एकदम से धागा नहीं खींचना है वरना धागा टूट भी सकता है, धीरे धीरे खींचना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा धागा बाहर निकल गया है उसको हम एक जगह फंसा देंगे। तो ये मैं अपनी मशीन पर ही इसको फंसा देती हूँ ऐसे, ताकि हम डोरी खींच सकें। फिर हमें क्या करना है, हमें अपनी जो डोरी है उसका सिरा ढूंढना है, जहाँ से हमने धागे को इसके अंदर डाला था, सुई को। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये कपड़ा है इसको हमें इसके अंदर डालना है, जो हमारी जहाँ हमने सिलाई की थी। तो अब हम इसको ऐसे खींचते जाएंगे और ये कपड़ा अंदर जाता जाएगा ऐसे। यहाँ पे आप गांठ ना लगने दें, ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा ना होने दें। आप धीरे धीरे खींचते जाएंगे और ये अंदर जा, यहाँ से थोड़ा सा खींचना है हमें, और थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, फिर ये ऐसे अंदर जाता जाएगा। और हमें धीरे धीरे ऐसे ही अपनी डोरी बाहर निकालनी है। ध्यान रखें कि आप गांठ ना लगने दें नीचे, अगर आप ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी डोरी नहीं खिंचेगी। देखिए ये हमारी डोरी बाहर निकल गई है, देखिए हमारी कितनी अच्छी डोरी बनके तैयार हुई है। हमें इसको ऐसे ही पूरी डोरी को निकाल लेना है। हम ऐसे ही धीरे धीरे इसको खींचते जाएंगे और निकलती जाएगी हमारी डोरी। आप इसको पहले फंसा दीजिए क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर खींचने में प्रॉब्लम होगी। देखिए ये हमारी डोरी बन गई है। अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस, जो भी आपका, जिस कलर की भी आप बनाना चाहते हैं उस कलर का आप कपड़ा ले लीजिए। ये मैंने 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक स्क्वायर शेप में कपड़ा काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तिकोना फोल्ड करके मैं इस पर एक गुलाई का निशान दूंगी ऐसे, से डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ऐसे एक गुलाई का निशान लगा के इसको ऐसे तिकोना करके हमें नीचे से गोलाई शेप में ऐसे काट देना है। देखिए ऐसे, अब इस वाले कपड़े को भी मैं ऐसे ही काट दूंगी, जो दूसरे कलर का हमने कपड़ा लिया है।
चाहें तो निशान लगा लीजिए, या फिर अगर आप ऐसे ही गोलाई दे सकते हैं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। अब हम इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर देंगे, देखिए, और ये कुछ हमारा ऐसे शेप में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डोरी, अब हमें इसे डोरी में अटैच करना है। तो हम ये कपड़ा लेंगे ऐसे, और इसको हमें ऐसे रखना है इसके अंदर, और इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें, ध्यान से देखिए कैसे कर रही हूँ मैं, इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप पक्का कर दें और अब एक सिलाई लगा दें तिरछी ऐसे ही। देखिए अब हम दूसरे कलर का कपड़ा लेंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा कलरफुल भी बना सकते हैं, या एक कपड़े का भी बना सकते हैं, एक कलर का भी, दो कलर का भी, तीन कलर का भी। मैं यहाँ पर दो कलर का बना रही हूँ। और ये मैंने अपने जो पेपलम कुर्ती की कटिंग की है उसमें भी मैंने इसी तरह से डोरी बनाकर लगाई है। देखिए अब हम एक एक करके, एक कलर का वो कपड़ा और एक कलर का इस कलर का एक कपड़ा और एक उस कलर का कपड़ा लेकर ऐसे ही इसको अटैच करते जाएंगे सेम। हमें वैसे ही अटैच करते जाना है। अब हमें क्या करना है, हम इसको पलट देंगे। अब ऐसे हमें इसे पलट देना है। ये हमारी लटकन बन चुकी है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। आप चाहें तो इसे सिंगल भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसे गाउन में लगाया है तो मैंने इसे हैवी करके लगाया है। मैंने तीन लटकन को एक साथ जोड़ा है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए तीन लटकन है, मैंने इसको एक साथ अटैच कर लिया है। पहले मैं इसको एक साथ अटैच कर लूँगी, सिल लूँगी इसको एक साथ। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी सबसे बड़ी जो डोरी है मैं उसको छोड़ दूँगी, और जो छोटी दो डोरियाँ हैं उनको ऐसे कट कर दूँगी, और फिर इनके सिरों को भी मैं ऐसे सिल दूँगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर दिख रहा है ऐसे, तो मैं अब इसको छुपाने के लिए एक जो एक लटकन है, मतलब एक जो कपड़े की जो लटकन है उसको लगा दूंगी, तो और इसको नीचे कर दूंगी तो ये पूरा छुप जाएगा और फिनिशिंग के साथ ये हमारा दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं ऐसे करके ये जोड़ को छुपाने के लिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पर सेम हमने जैसे अटैच की है डोरी में, वैसे ही इसको भी ऐसे ही अटैच कर दूंगी। मैं इस पर डबल सिलाई लगा देती हूँ, ये देखिए ऐसे, और अब मैं इसको ऐसे नीचे कर दूंगी तो देखिए ये हमारा जोड़ भी छुप जाएगा, और देखिए ये हमारी हैवी लटकन बन गई है। आप चाहें तो इसे सिंगल भी लगा सकते हैं और ऐसे हैवी भी कर सकते हैं, दो चार छः जितना मन करे आप उतनी हैवी कर सकते हैं इसे। देखिए मैंने दो लटकन बनाई हैं, तीन तीन लटकन बनाकर दो डोरियाँ बनाई हैं ऐसे, और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं देखिए। और बहुत ही सबसे बढ़िया बात कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।